नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर इंडिया के पहले सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत सैंपत के बारे में बात करेंगे। उन्होंने 1950 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैनेजमेंट एनालिस्ट पीटर ड्रक से वो काफी प्रभावित हुए थे। कंपनी के एक्शन देखते देखते वो इन्वेस्टिंग करना सीख गए थे। वो कहते थे, मार्केट और गलतियों से ही सही एजुकेशन मिलती है। अपना एजुकेशन सिस्टम तो हमारे दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। कंपनी की प्रोडक्टिविटी और कंपनी इनोवेट कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को इन्वेस्टिंग करते वक्त देखते थे। वो उन कंपनियों के ऊपर ध्यान देते थे जो कंपनी ग्रो कर सके और लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके। इसी विचारधारा से उन्होंने जिलेट में इन्वेस्ट किया था। चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी आगे चली जाए, अपनी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के मदद से जिलेट का सेल जरूर होगा। 1973 इंडिया में फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगा हुआ था। उसके बाद बहुत सारी फॉरेन कंपनीज सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही थी और इस अपॉर्चुनिटी का मिस्टर सैंपत ने पूरा फायदा उठाया और फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के FMCG कंपनीज में हैवली इन्वेस्ट किया। उन्होंने FMCG सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किया था। FMCG बिजनेस को वो अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने HUL, जिलेट इन जैसे शेयरों में इन्वेस्ट किया था। वो ज्यादातर FMCG और फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। मिस्टर सैंपत जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, उनके कुछ क्राइटेरिया थे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे वो देखते थे गुड मैनेजमेंट, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लो होनी चाहिए या तो वो डेब्ट फ्री कंपनी होनी चाहिए, लो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो देखते थे और वो कंपनी का जो डिविडेंड है कंसिस्टेंट वो डिविडेंड दे रही या नहीं, कंटिन्यू वो डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही या नहीं, इनके कुछ इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया थे ये। उनका मानना था कंपनीज को कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट और सर्विस में वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए। जिन कंपनी पर बहुत सारा कर्ज होता है वो उन कंपनी से दूर रहते थे। कंपनी अपना कैपिटल कैसे यूज कर रही है इस पर भी वो बारीकी से ध्यान देते थे और कंपनी के ROC को एनालाइज करते थे। उनके अनुसार अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ खास एडिशनल कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, वही खराब कंपनी को बिजनेस को लगातार एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती रहती है और फिर भी वो कंपनी ग्रो नहीं करती। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, इस रूल्स को वो फॉलो करते थे। उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग से जुड़ा नॉलेज नए इन्वेस्टर के साथ शेयर करने के इंडिया मार्केट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मिस्टर पराग पारिक कहते हैं, मैं मिस्टर संपत के वजह से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उस समय शेयर खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट टाइमिंग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाते थे और जब उनकी मुलाकात मिस्टर चंद्रकांत जी से होती थी तो वो बहुत खुश होते थे और क्योंकि उनको उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता था। अपना नॉलेज शेयर करके उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स की हेल्प की है, जिनमें से कई सारे टॉप इन्वेस्टर हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी और मिस्टर पराग पारिक। ये इन्वेस्टर जब अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे तब मिस्टर संपत ने उन्हें गाइड किया था और एक चैन सिस्टम की तरह वर्क होता गया। इंडिया से बहुत से इन्वेस्टर के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे। वो इन्वेस्टर को कहते थे, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इन्वेस्टिंग करते वक्त टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो ये भी कहते थे कंपनी के पास स्ट्रांग विजन होना चाहिए। इन्वेस्टर को ये चेक करना चाहिए कि कंपनी अपने विजन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। मिस्टर सैंपत, पीटर ड्रक, कॉल पॉपर, इनके काम के बारे में पढ़ते रहते थे और इन्वेस्टर को भी उनके बारे में पढ़ने के लिए बोलते थे। वो कहते थे इन्वेस्टर्स को बड़े सपने देखने चाहिए और फिलोसोफर की तरह सोचना चाहिए। साल 2015 में उनकी मौत हुई। तो दोस्तों, आपने देखा मिस्टर सैंपत किस तरह अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। वो किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले देखते थे उस कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसी है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई लोन चल रहा है या नहीं, क्या कंपनी
डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कि नहीं अपने इन्वेस्टर्स को, इन सब चीजों को वो ध्यान देकर तब उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।